ननखड़ी में महिला प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं रटन बोर्ड की उपाध्यक्षा रश्मि दरसूद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही और साथ में चेयरमैन कॉल नेगी भी मौजूद रहे। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रश्मि दरसूद ने महिला शक्ति को आने वाले समय में रोजगार मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले को लेकर महिला प्रवास का आयोजन किया। इस अवसर पर ननखड़ी क्षेत्र की जनता ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री अनु पौंड जी, स्थानीय पंचायत के उपप्रधान संतोष नेगी जी, अपने रामपुर नगर परिषद के पार्षद श्रीमती स्वाति बंसल जी, कांता जी, मित्तल जी, ननखड़ी ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों से आए पंचायतों के प्रधान उपप्रधान, शिक्षा के कारण समाज में समानता, एकता और आध्यात्मिकता का एक बहाव जगाने का काम किया ऐसे महान कवि शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती है। मैं शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर नमन करता हूं और उनकी जयंती पर आप सभी को बधाई देता हूं। आज का जो कार्यक्रम था, आदरणीय श्रीमती रश्मि दरसूद जी का रामपुर का प्रवास था, उस प्रवास के निमित्त ऐसे महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम था और मैं सर्वप्रथम रश्मि दरसूद जी का रामपुर मंडल में, ऐसे पहला प्रवास है आपका, रामपुर मंडल के प्रवास पर आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम देखते हैं कि पिछले 2 वर्ष के कालखंड में, कोरोना काल में, जिस तरह की भूमिका महिला मोर्चा की रही, यानी हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में सबसे सक्रिय भूमिका कर रही है तो महिला मोर्चा की रही है, क्योंकि कोरोना काल में जब घरों से लोग नहीं निकलते थे उस समय महिला मोर्चा की हमारी कार्यकर्ताओं ने ऐसे प्रदेश भर में लाखों मास्क बांटकर जगह जगह वितरित किए। और इसके अलावा भी ऐसे जन जागरण अभियान, ऑनलाइन गतिविधियां, कुल मिला के हर स्तर पर, मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक महिला मोर्चा की पूरी कार्यकर्ता सक्रिय रही और उसका अगर श्रेय जाता है तो आदरणीय श्रीमती रश्मि दरसूद जी को जाता है, क्योंकि आप जैसी ऊर्जावान, कर्मठ और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाली और जो सच को सच और झूठ को गलत बोलने वाली ऐसी एक शख्सियत आप है और आपका इस कार्यक्रम में आने पर मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम सभी जानते हैं कि पहले ही हमारी तरफ से भी आने में लेट हो गए और दूसरा समय बहुत हो चुका है और 2-3 बातों को रखते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय भीमसेन ठाकुर जी की अध्यक्षता में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि आम समाज की जो समस्याएं हैं, आम समाज को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली है। लेकिन आने वाले समय में जो भी कमियां रही है, जो भी अभी लगातार प्रयास होने के बावजूद भी कहीं पूरी नहीं हो पाई है, मैं भीमसेन ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो मुझे सरकार के माध्यम से जो जिम्मेदारी मिली है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रामपुर मंडल को साथ में लेकर भीमसेन ठाकुर जी की अध्यक्षता में उन सभी समस्याओं का समाधान सरकार के माध्यम से हो। वो चाहे ननखड़ी की ऐसे अनेकों समस्या है, वो चाहे रोड का समस्या है, तहसील की समस्या है, BDO की समस्या है, SDO है, ऐसे कई प्रकार की समस्या है, उस समस्याओं से मैं अवगत भी हूँ। अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं है उस समस्या गिनाने का, लेकिन लगातार प्रयास मंडल द्वारा किया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी इन समस्याओं को लेकर जाने वाले हैं और जल्द से जल्द ये समस्याओं का समाधान हो उसके लिए रामपुर मंडल के साथ ऐसे सरकार के माध्यम से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द मिले। सरकार आई तो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? हमारी सरकार तो आई रही है और हमने तो महिला मोर्चा के लिए इतनी बढ़िया रणनीति बनाई है कि महिला शक्ति जो है वो आने वाले समय में अपना जो क्षमता से जो कार्य है उसको पूरी दुनिया के सामने दिखा रही है। तो रणनीति तो सबसे पहले ये है कि महिलाओं को मैक्सिमम पोजीशंस जो मिलें
उन्हें आने वाले समय में रोजगार मिले, उन्हें आने वाले समय में आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही निर्णय है और वैसे ही वो अपने मैनिफेस्टो में आने वाले समय में देगी। जैसा कि आज भारी महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है, तो इससे आने वाले समय के लिए क्या संदेश मिलता है? ये संदेश मिलता है कि नारी शक्ति जो है वो पहले भी एकत्रित थी और आने वाले समय 2022 के चुनावों के लिए हमने अपनी कमर कस ली है और हम सब मिलकर अपने जितने भी जहाँ जहाँ के जो जो प्रतिनिधि होंगे, जिसको भी टिकट मिलेगी, उसे विजय की तरफ ले जाए। जैसा कि आप टूरिज्म की भी वाइस हैं, तो आपके के पास पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष योजनाएं हैं या क्या आपने नया किया है? देखिए, जो हमारे नारकंडा के जो आपके मासू क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने फंड किया है और आने वाले समय में वो जनता को समर्पित होने जा रहे हैं। बहुत सारे मंदिर हैं जिनके लिए ADP प्रोजेक्ट में हमने पैसा दिया है, वो कंप्लीशन की तरफ हैं। वो आने अभी आप कुछ समय में देखेंगे कि उनको कंप्लीट करके जितनी भी पंचायतें हैं उनको दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर जो है वो अपने आप में एक पर्यटन स्थली है और यहाँ पे ननखड़ी में आकर मुझे एहसास हुआ कि ये खुद अपने आप में एक पर्यटन स्थली बन सकती है। इसके लिए सबसे पहले मेरा जो आग्रह होगा, मैं कॉल जी के साथ मिलकर CM साहब के पास जाएंगे और जो आपकी रोड है उसके लिए हम कार्यरत करेंगे, उसके लिए हम कार्य करेंगे, तभी इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। जैसा कि ये चुनावी वर्ष है, आगे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, तो आप महिलाओं को क्या विशेष टिप्स देंगे? देखिए, महिला शक्ति अगर एकत्रित हो जाए और महिला शक्ति ये सोच ले कि हमने अब चुनावों में अपने प्रत्याशी को विजयी करना है, क्योंकि महिला शक्ति जिस तरफ चलती है पूरा का पूरा समाज उस तरफ जाता है। मैंने उन्हें यही कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश की योजनाएं जो सिर्फ महिलाओं से ही रिलेटेड है, अगर आप उन्हें लेके जाएंगे तो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसने उन योजनाओं का लाभ नहीं लिया। आपका क्या मानना है कि आगामी समय भाजपा का होगा रामपुर शहर में? हो सकता है, क्यों नहीं होगा। और हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने आज मातृशक्ति का यहाँ पर जमावड़ा देखा, उस जमावड़े के तहत हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ये आपको आश्वासन देता है कि इस बार रामपुर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।